मुमकिना समंदरी तूफान, शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बायस सी व्यू कराची पर बड़ी तादाद में जेलीफिश तूफान से बनने वाली तेज़ लहरों की तोश पर बहकर साहिल पर आ गई हैं। दूसरी जानेब बंदरगाह पर केमाड़ी के नज़दीक भी बड़ी तादाद में मरी हुई मछलियां लहरों के तोश पर बहकर साहिल पर आ गई हैं। शहरियों को साहिल पर जाने पर पाबंदी है और दफ़ा 144 आयद की गई है। जेलीफिश इंतहाई आलूदा और मुज़र सेहत है। मरने वाली मछलियों को मकामी तौर पर बोई और सैरोन के नाम से जाना जाता है। ये बताना था मौज़म खान, तकनीकी मुशीर WWF का। उनका मजीद कहना था कि मानसून बारिशों की वजह से मैनग्रोव एरिया में मौजूद तलछट समुद्री पानी में घुलकर इसे आलूदा कर रहा है। माहीगीर मुर्दा मछली को पोल्ट्री प्लांट्स पर फरोख्त करने के लिए जमा कर रहे हैं। यह आबी हयात आलूदगी की वजह से मरी है, इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। मौज़म खान का शहरियों को इंतबाह करते हुए कहना था कि मरी हुई मछलियाँ इंतहाई आलूदा होने की वजह से मुज़र सेहत हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात की रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।